ये फिजान बाकर नकवी साहब, सबसे पहले तो आपका बहुत शुक्रिया, आपने हमें कीमती टाइम दिया। तो आज ईद का दूसरा रोज है, मेरी और मेरी पूरी टीम की तरफ से आपको बहुत बहुत ईद उल अज़हा मुबारक हो। मेरी तरफ से भी और मेरी फैमिली की तरफ से आपको और आपकी पूरी टीम को और तमाम उम्मत मुस्लिमा को ईद उल अज़हा का दूसरा दिन मुबारक हो, और इस ईद उल अज़हा की खुशियों में अल्लाह ताला सबको बरकत दे और खुशी नसीब फरमाए, और ईद उल अज़हा अल्लाह ताला सबके लिए खुशियों और रहमत का बाइस बने और आने वाले वक्त सब लोगों की आसानी का। अच्छा, आज दूसरा रोजा ईद का, तो ईद का पहला, दूसरा और तीसरा रोज कैसे गुजरता है? जी, पहला रोज तो ईद की नमाज के बाद कुर्बानी में गुजरता है, जानवर की कुर्बानी सुन्नत इब्राहिमी अदा करने में, और जब वो जानवर की कुर्बानी हो जाती है तो उसको गोश्त बनाकर उसको बांटने में गुजर जाता है। जाहिर है कि पहला रोज कुर्बानी और फिर तकसीम में गुजर जाता है, और फिर शाम में कहीं थके आ रहे आते हैं तो घर पर खाना ना खा के फिर सोने में गुजर जाता है। तो इस तरह आधा दिन पौना दिन ही कहने जी कुर्बानी के हवाले से और उसको बांटने के हवाले से गुजर जाता है, बकिया दिन सोने के हवाले से गुजर जाता है। दूसरा दिन ये होता है कि कुछ दोस्तों का आ रहे, दोस्तों के कुछ बकरे होते हैं, कुछ किसी का ऊंट सिवा होना था तो उनके साथ काम पे लगने में गुजर जाता है। तो इस तरह ही दूसरा तीसरा दिन फिर किसी के यहाँ संडा है, दोस्त या किसी का कोई और जानवर है, किसी का तीसरे दिन कुर्बानी है तो उनके साथ वक्त गुजरेगा, कल का कुछ दोस्तों की कुर्बानी कल की है तो उनके साथ वक्त गुजरेगा। इस तरह तीनों दिन मेले की सूरत में, कुर्बानी की सूरत में, जानवरों के साथ मोहब्बत की सूरत में गुजर जाते हैं, उनकी सेवा और सुन्नत इब्राहिमी अदा करने में तीनों दिन जिस तरह मसरूफ होते हैं। ठीक है। अच्छा फिजान साहब, कुर्बानी का जानवर आप खुद खरीदने जाते हैं? जी जी बिल्कुल, कुर्बानी का जानवर हम खुद खरीदने जाते हैं, और हर साल बच्चों के साथ फैमिली जितने भी हमारे भांजे भतीजे हैं, बड़े भाई हैं मेरे चार, वो मुझसे बड़े हैं चारों, वो और मैं खुद, मैं बेसिकली ये बताता चलूं आपको और आपकी नाज़रीन को कि मैं हर साल कुर्बानी के जानवरों को कारोबार भी करता हूँ। कैटल बताओ कराची शहर में नॉर्दर्न बाईपास जो सुपर हाईवे के आलमी एशिया की सबसे बड़ी मंडी कहलाती है, वहां पर जानवरों की खरीद और फरोख का कारोबार भी करता हूँ अपने दोस्त रुवेल मकसूद के साथ, माशाल्लाह कैटकॉम के नाम से कराची शहर में, तो मैं उसमें मसरूफ होता हूँ पिछले 20 दिन से। अगर आप मेरी थकावट चेहरे से देख रहे हैं तो मैं आज भी 12-15 घंटे सोया हूँ, और पूरे 20-22 दिन में टोटल में कोई 20 घंटे भी सोया हूँ, 20-22 दिन पूरी थकावट थी। हम 8 तारीख को अपना सारा माल बेचकर फारिग हो गए कराची शहर में, जो नॉर्दर्न बाईपास पे आलमी मंडी लगी थी वहाँ, माशाल्लाह कैटकॉम के नाम से हमने काम किया था, और माशाल्लाह 42 जानवर थे जो हमने बेचे, तो हमने 8 तारीख को वहां से फारिग होकर घर आ गए थे। जानवर के हवाले से मैं कहूंगा कि जितने भी नाजरीन है और सुनने वाले सामीन है उनके लिए ये कि जानवर कुर्बानी के जब भी आप खरीदते जाए मंडी में तो ऐप को देखें, उसकी चोट को ना देखें। चोट अक्सर गाड़ी में 36-36 घंटे सफर कर कर आते हैं, कोई लहिया से आ रहा है, कोई साहिवाल से आ रहा है, कोई शेखवान से आ रहा है, कोई जाहिरपीर से आ रहा है, कोई रहीमगढ़ खान से आ रहा है, कोई रावलपिंडी से लेकर आता है माल, कोई जहलम से लेकर आता है, पूरे पंजाब से लोग आते हैं माल लेकर कराची शहर में। तो गाड़ी में चलते 36-48 घंटे का 1.5 दिन का सफर, 1.5 दिन का सफर, 2 दिन का सफर, 3 दिन का सफर करते आते हैं, तो ऐप ना हो और जानवर तंदुरुस्त हो, सेहतमंद हो। और 2 दांत और 4 दांत के हवाले से भी बात करते हैं, जिन्होंने सवाल किया, 2 दांत जानवर जो है उसमें 4 दांत भर के सिर्फ 3 महीने का, अगर नस्ल के हिसाब से देखेंगे तो 3 महीने का डिफरेंस है, 2 और 4 में इतना बड़ा फर्क नहीं है, दोनों बिल्कुल सुन्नत के अखबार से सही है। बाकी उलमा हज़रात इस पर वाज़ह दलील के साथ बात करेंगे फिर फिका आगे वाले शरीयत के हवाले से, मगर 2 और 4 और 6 सही है, आप कर सकते हैं, मगर लोगों को 2 दांत का ज्यादा जानवर तंदुरुस्त जानवर का शौक वगैरह 2 दांत का हो और बगैर सिंह का, ये बड़ा मसाइल है कि डिमांड एज पर सप्लाई, हम बगैर सिंगों के जानवर कम खरीदते हैं अपने बेचने के लिए नहीं, क्योंकि जाहिर है हम इस बात का अंदाजा है जानवर की सींगों को क्रश किया जाता है, उसको खत्म किया जाता है जो कि ऐप में शुमार होता है, तो हम तो कोशिश करते हैं कि अपना माल भी सींगों वाला खरीदे अपनी कुर्बानी के लिए भी और अपने माल को बेचने वाली कुर्बानी जो लोगों ने माल जो आगे बेचते हैं वो भी, तो बाहर अच्छा जानवर तंदु जो खिलाई पिलाई के हवाले से उसकी चराई के हवाले से अगर लोग शौकीन है, शौक करना चाहते हैं अपनी कुर्बानी को और अच्छा करना चाहते हैं तो 4 महीने पहले शाबान में खरीद लें, जगह है, रिसोर्सेज है, पैसा है, तो ज्यादा आपको आसान पड़ता है खरीदना और उसको पालना, 15-20 हजार रुपए महीने की पढ़ाई पड़ जाता है अपने घर पर, फार्म भर देंगे तो 30-40-50 हजार रुपए पड़ते हैं, 20 हजार की भी, 30 हजार की भी, 25 की भी, 40 की, जैसा आपको पलवाना है उस हिसाब से, तो
तो लोग इस हवाले से हमसे रब्ता करना चाहते हैं अगर तो जरूर करें। हम उनकी जानों की पढ़ाई भी कर सकते हैं, साहिल में शेखवान हमारा फार्म है और एक कराची शहर में मेहमान में भी हमारा फार्म है। तो आप पढ़ाई करवाना चाहते हैं उस हवाले से हम आपको मुफीद मशवरे दे सकते हैं, आप जानवर भी पाल सकते हैं। और शबान का महीना खरीदो फरीद का महीना होता है, रमजान से पहले वाला महीना है, उससे पहले चार महीने पाल लें, लेकिन पांच महीने पाल लें अपनी इस्तेमाल के हिसाब से, अपने शौक के हिसाब से। और अच्छा जानवर 1.25 लाख का 1.5 लाख का मिल जाता है, 2 लाख या खीरा होता है वो, और आप उसको लेकर 3-4 महीने उसको पढ़ाई करें, उसको इस पर कुर्बान करें तो ज्यादा अच्छी चीज है, ज्यादा बेहतर चीज है। और आप अपने जानवर खुद पालेंगे और उसकी एक अपनी दिलचस्पी मजा है, उसकी हक भी अदा होगा। ठीक है, तो फिजान साहब पिछली ईद की निस्बत इस ईद पर जो था जानवर खरीदने वालों का रश तकरीबन कम देखने में आया, इस हवाले से आप क्या कहेंगे? आपका बड़ा बड़ा अच्छा सवाल है। इस हवाले से मैं कहूंगा कि आपने बिल्कुल सही बात की, इन्फ्लेशन का वक्त है, गुर्बत है, महंगाई है, बेरोजगारी है, परेशानी है, लोगों की जेब की सकत नहीं है, लोगों के अंदर इतनी हालात नहीं है जो इस हवाले से एक कुर्बानी के हवाले से, दीगर मामला के हवाले से अपनी जिंदगी गुजर बसर करने के हवाले से मुश्किल के शिकार है। तो बिल्कुल जो कराची शहर में नॉर्दर्न बाईपास पर मवेशी मंडी लगती हर साल, उसकी तादाद होती है 17,000 ट्रॉलर की, 17,000 गाड़ियां ट्रॉलर, जिसको आप कार कैरियर कहते हैं, 22 व्हीलर कह लें, 16 व्हीलर कह लें, 12 व्हीलर कह लें, बड़े ट्रॉलर जिसमें मिनिमम माल की तादाद एक ट्रॉलर की लगाई जाए तो 22 माल से 20 माल की बनती है, कोई गाड़ी में आता है माल। वो भी इस बार 10,000 टोटल गाड़ी आई, जो कि लास्ट ईयर 17,000 आई थी, इस बार 10,000 गाड़ी आई और सिर्फ 2 लाख जानवर मंडी में मौजूद थे और उसके अतराफ में शहर भर में दूसरी मंडियां लगाई गई, उनमें भी अगर हम डाल दें तो 25,000-30,000 टोटल मंडियों में माल था, जो कि 6 से 8 मंडियां और शहर है कराची में लगती हैं जो नहीं लगी इस बार, और 2-3 जो सालाना होती है वो मिलाकर तकरीबन 8 मंडियां शहर भर की रख ले और एक आलमी मंडी, तो माल 3 लाख भी नहीं था टोटल सब मंडियों का पूरा और कराची में मिलाकर। और कुर्बानी उस तादाद के हिसाब से नहीं, कहा 4-4.5 लाख माल आता था और वो सब बिकता था और सब खरीदो फरोख्त करता था, कुर्बानी जोर को शौक से, इस बार भी शौक से कुर्बानी जरूर ही, जिनको अल्लाह ने हिम्मत अदा की उन्होंने खरीदा, कोशिश की और अच्छे से अच्छा माल खरीदा और अच्छे तरीके से खरीदा गया माल और अच्छे अंदाज में कुर्बानी के जानवर को लिया था। और उसके बाद मगर ये कि मैं जो आपका सवाल इस वाले से कहूँगा कि लोग परेशान है, लोग तकलीफ का शिकार है, मुश्किल का शिकार है, महंगाई बेरोजगारी ने बड़ा मुश्किल में डाल दिया, तो लोगों की गुंजाइश नहीं दे पा रही थी, फिर भी लोगों ने कोशिश की हिस्से मिलाने की, हिस्से जोर जोर करके लोगों तक अपना हिस्सा डाल दें या किसी के साथ आधे पैसों का शरीक करके 2-3 हिस्से कर रहे, तो लोगों ने जहां तक हो सका अपने हिसाब से कोशिश जरूर की इस सुन्नत इब्राहिमी अदा की जाए, मगर वो वाली बात पिछले सालों वाली बात नजर नहीं आई। बस यही कोशिश है कि अल्लाह ताला इस मुल्क के हालात जल्द से जल्द बेहतर करें, इस महंगाई की जिनको कंट्रोल करें ताकि लोगों को गुजर बसर आसानी से हो सके, लोग अच्छे तरीके से अपनी खुशियां मना सके, लोग ईद कुर्बान को सही मानों में उस अंदाज से उसको मना सके जिससे उसका हक है, जो उनके हालात मामला इस साल नहीं कर पाए, अल्लाह ताला अगले साल उनके लिए उससे बेहतरी करे और उनके लिए आसानियां फरमाए। अच्छा फिजान साहब, आपको कुकिंग का भी शौक है, ईद के मौका पर आपने ट्राई किया? मुझे कुकिंग का शौक है मगर जब कोई अवेलेबल ना बनाने की मजबूरी में बनाना चाहूंगा, खुशी से बनाने का शौक नहीं है, उससे कोई बनाओ फिर चाहे ऐसा नहीं है। इस हवाले से मैं बहुत आदमी हूँ कि मुझे कोई बना के दे दे तो अच्छा है, अगर हाँ कोई अवेलेबल नहीं है, कोई मौजूद नहीं फैमिली में, मेरी फैमिली सब गए हुए, अगर मैं ऐसे शहर में हूँ ईद मेरे किसी और शहर में गुजारी है तो वहां तो एक और बात है, मगर घर में हूँ तो सारे भाभियां हैं माशाल्लाह, 4-4 भाभियां हैं, 3 बहनें आई हुई, ईद का मौका है, फैमिली आई, वहां जो भतीजा है, आज दावत का समय है, तो बस यही घर में बेहतरीन भाभी ने गिजा बनाई है, पुलाव भी मौजूद है, रात को भी दावत है और बकरा भी मौजूद है, गाय भी मौजूद है, तो आपके हमारे साथ खुश नहीं कर, तो मैं खुद से शौकीन नहीं हूँ। हाँ, कलेजी को बनाने का शौकीन, क्योंकि कलेजी अगर जैसे ताजा जानवर जिबा हो तो कलेजी बना लू, मगर जाहिर है कि घर में जब लेडीज इतनी होती है तो वो नहीं चाहती कि मर्द या भाई या साले या देवर घर में जाए और किचन में घुसे, किचन के कबाड़ा हो जाएगा, बर्तन का इस्तेमाल ज्यादा करेंगे, फैलावा ज्यादा करेंगे, शोर शराबा ज्यादा करेंगे, तो इसलिए सही लगे। तो ईद के मौका पर आपने ईद वसूल भी की है फिर बड़ों से? इस ईद के ऊपर ना, ईद के हवाले से आपको पता ही है कि लड़कों की ईद कहलाती है और ईदी का मामला इतना ज्यादा ईद पर होता नहीं, हाँ देना पड़ता है, मिलती नहीं है ईद पर, बकरा ईद पर ईदी
बड़ी ईद कह लें, बकरा ईद कह लें, ईद उल अजहा कह लें, इस पर ईदी मिलने का काम अभी तक नहीं हुआ। हाँ, ईदी जरूर देनी पड़ी भांजे भतीजों में, बच्चों में, कजन्स में और सिब्लिंग्स में छोटे, मगर ये मुझे मिलने के हवाले से अब तक ईदी नहीं मिली इस ईद उल अजहा पर। हाँ, तो भाई बड़े भाई ने दे दी, भाभी ने दे दी, वालदा ने दी, मगर वैसे ओवरऑल खानदान के लोगों से, क्योंकि छोटी ईद को ईदी की ईद कहा जाता है, जिसमें ईदी ज्यादा मिलती है, ईदी की ईद वो होती है, और वो लड़कियों की ईद भी कहा जाता है, मगर ईद उल अजहा जो लड़कों की ईद है उसमें कुर्बानी का जानवर आ गया, बस ईदी का शोर शराबा है, मेला लगा होता है, तो उस हवाले से ईदी की ईद नहीं कहा जाता मेरे नजदीक ईद उल अजहा को। ठीक है, अच्छा फिजान साहब, हम चंद क्रिकेटर के नाम लेंगे, आपने उन पर कॉमेंट करना है। अब्दुल रजाक वन ऑफ द आइकॉनिक लेजेंडरी ऑलराउंडर ऑफ द वर्ल्ड, नॉट पाकिस्तान, दुनिया का बेहतरीन ऑलराउंडर में शुमार, अब्दुल रजाक, वन एंड ओनली द ग्रेट अब्दुल रजाक। जी बिल्कुल, इसी जो क्वेश्चन था इस पर मुझे एक चीज याद आ गई, अब्दुल रजाक ने साउथ अफ्रीका के खिलाफ बहुत अच्छी इनिंग्स खेली थी, शायद आपको याद, 102 रन नॉट आउट किए और पाकिस्तान को मैच जितवाया और पत्ते किया और बड़ी भारी शिकस्त हुई, जीता हुआ मैच साउथ अफ्रीका के मुंह से निकाल लिया, 7 विकेट गिर चुकी थी, उसमें जुल्करनेन ने बड़ा अहम रोल अदा किया पार्टनरशिप में रजाक के साथ। तो रजाक अपने एरा के, अपने दौर के, मैं यही कहूंगा इस ईद कुर्बान पे अल्लाह ताला उनको इसी तरह कोचिंग में आ गए, अब तो बहुत सारी टीमों की सिलेक्शन में आ गए, बट रजाक के लिए एक ही वर्ड, द वन एंड ओनली ग्रेट लेजेंडरी ऑलराउंडर। अच्छा फिजान साहब, इतने प्रेशर में बैट्समैन के ऊपर बहुत ज्यादा दबाव भी होता है, ठीक है, तो उस दबाव को बर्दाश्त करना एक प्लेयर के लिए ये एक इम्तिहान होता है, इस हवाले से आप क्या कहेंगे? देखिए, बड़ा प्लेयर का बात ये कि जो अपने नफ्स की कंट्रोल कर ले, मौके को, सिचुएशन को रीड करते हुए अपने माइंड को कंट्रोल करे और अपनी इनिंग को, अपने उस तमाम इनिंग को प्रेशर से निकाल कर उस सिचुएशन को हैंडल कर ले, कंट्रोल कर ले सिचुएशन को, जो सिचुएशन कंट्रोल कर लेता है वो फिर अपने आप को इजी वे में ले जाकर मैच को फिनिश कर लेता है। असल चीज है कि सिचुएशन को हैंडल करना और हैंडल करने के बाद उसको कंट्रोल करना, जब आप कंट्रोल कर लेते हैं, काबू पा लेते हैं मुखालिफ टीम की, आपको पता होता है बैट बॉल का, आप वेट करते हैं और आप अच्छी बॉल को डॉट करते हैं, तो आप यकीनन पते से भी अमकिनार होते हैं और अपनी बारी भी अच्छी करते हैं और मैच भी जिताते हैं। तो यही मुश्किल वक्त, मुश्किल सिचुएशन में दो चीजें बहुत अहम है कि वो काम करें आप जो आपके कंट्रोल में है, आप अपने कंट्रोल से बाहर जाएंगे कि हर बॉल पर अगर हिट आउट करेंगे तो आपके लिए डिफिकल्टी है। रजाक ने स्विंग में यही किया कि बॉल को चूज किया, हर ओवर में एक एक दो दो चक्की लगाए उन्होंने और 12 रन कर दिए, 11 कर लिए, 14 कर लिए, डबल कर लिया, हर बॉल पे मारने नहीं गए, हिट आउट नहीं किया, एवरी बॉल पर रेस्ट नहीं हुए, गुस्से में नहीं आए, बस सिर्फ मारने पर नहीं सोचा, उन्होंने देखा, रीड किया सिचुएशन को, कंट्रोल किया सिचुएशन को, पहले स्लोली अपने आप को उस सिचुएशन में ढाला, जैसे सिचुएशन में उन्होंने अपने आप को ढाला उसके बाद सिचुएशन से अपने आप को बाहर निकाल कर कामयाबी से अमकिनार किया। तो कंट्रोल और फोकस ये बड़ा इंपॉर्टेंट है ऐसी इनिंग्स में, ऐसे मामलों पर, ऐसे मौकों पर। ठीक हो गया, क्या फोकस कितना है? जी ठीक हो गया। अच्छा फिजान साहब, नेक्स्ट नाम जो मैं आपसे शेयर कर रहा हूँ, वसीम अकरम द स्विंग ऑफ सुल्तान, लेजेंडरी, ग्रेटेस्ट फास्ट बॉलर एवर प्रोड्यूस्ड बाय द वर्ल्ड, लेफ्ट आर्म ग्रेटेस्ट फास्ट बॉलर, अगर लेफ्ट आर्मर की दुनिया में कहूंगा तो वो अपने आप के एक यूनिक और एक बेमिसाल बॉलर रहे हैं। दुनिया है उफक पर वसीम अकरम का सिक्का हर वक्त चलता रहेगा, एज अ बॉलर वसीम अकरम दुनिया है क्रिकेट की हिस्ट्री के कुछ अनमोल बॉलर में शुमार है। जी बिल्कुल, बट एक साथ बात ये भी कहूंगा इस ईद कुर्बान पर उनको ईद की मुबारकबाद अब्दुल रजाक को भी, मगर जहां तक उनकी मैनेजमेंट की बात करूं मैं उनसे कभी भी खुश नहीं हुआ, एज अ बॉलर, एज अ क्रिकेटर, एज अ प्लेयर, ही इज वन ऑफ द ग्रेटेस्ट लेजेंडरी, वन ऑफ द फ्यूएस्ट, कुछ ही लोग उनकी लाइन में आते हैं, उनकी सफ में आते हैं, उनसे बड़ा बॉलर नहीं देखा गया। बिल्कुल ठीक है। अच्छा मिसबाल हक, ग्रेट कैप्टन, पाकिस्तान को टेस्ट क्रिकेट में नंबर वन किया उन्होंने, काम कूल कंपोज, ईद उल अजहा के मौके पर उनको सबसे पहले ईद की मुबारकबाद, और बहुत देर से क्रिकेट शुरू की, अपनी बड़ी उम्र में आगे क्रिकेट शुरू की, मगर कुछ ही अर्से पाकिस्तान में अपनी क्रिकेट में अपनी बैटिंग से अपना लोहा मनवाया, पाकिस्तान के कप्तान बने और हर फॉर्मेट के कप्तान रहे, बहुत रन किए पाकिस्तान की पतवार में,
किरदार अदा किया, तेज तरीन सेंचुरी 55 गेंदों पे की, तो मैं उनके लिए भी कहूंगा कि पाकिस्तान के कामयाब मिडिल ऑर्डर बैट्समैन। जी ठीक है, शाहिद खान अफरीदी आइकॉनिक पर्सनैलिटी, हीरा, अपने आप में एक मिसाल, दुनिया है क्रिकेट के चंद खूबसूरत और खूबसूरत लोगों में शुमार है उनका, उनकी फैन फॉलोइंग की तो इससे शायद दुनिया के हर गेम में उनका नाम लिया जाता है, जिसको क्रिस्टियानो रोनाल्डो भी कहता हो, ही इज वन ऑफ द ग्रेटेस्ट, दुनिया के 20 लोगों में चैरिटी में शायद अफरीदी शुमार है, तो हर लिहाज से बीइंग अ क्रिकेटर, बीइंग अ प्लेयर, बीइंग अ ह्यूमन बीइंग, बीइंग अ चैरिटी मैन, ही इज ऑन काइंड ऑफ हिम सेल्फ, वो अपने आप के आप मिसाल है, और एज अ ऑलराउंडर पाकिस्तान के लिए उन्होंने वन मैन शो किए कई पटवार, चाहे इंडिया क्लब हो, उनके ऊपर दो छक्के हो, चाहे वो T20 वर्ल्ड कप की सेमीफाइनल की 50 हो, फाइनल के 50 हो, जो पाकिस्तान वर्ल्ड कप जीता T20 के आखिरी दोनों मैचों में, नॉकआउट मैचों में शायद अफरीदी की परफॉर्मेंस है बैटिंग से, तो अपने आप में अनमोल खिलाड़ी थे, बेमिसाल खिलाड़ी थे, और उतने ही बड़े वो क्रिकेटर भी है, इतने बड़े इंसान भी। रोहित शर्मा, रोहित शर्मा इंडियन हिस्ट्री के चंद कामयाब प्लेयरों में उनका शुमार होता है, बैट्समैन वाइज उनकी कोई मिसाल नहीं, जिस पिच पे खिलाते हैं, जिस उनकी फॉर्म लगी हुई है, वो फिर ऑस्ट्रेलिया की पिचेस हो, इंग्लैंड की हो, न्यूजीलैंड की, उन्होंने डबल सेंचुरी दो दो बार की है वनडे में, ये अपने आप में एक रिकॉर्ड है, और उसके अलावा उनकी बैटिंग चलाई थी, कहा 7वें नंबर से कैरियर शुरू किया, जहां पे ड्रेविड, सचिन तेंदुलकर, लक्ष्मण, सहवाग, गौतम गंभीर जैसे नाम हो, उसपे इंडियन क्रिकेट में कई बार वो टीम से आउट भी हुए, उन्होंने हिम्मत नहीं हारी, डोमेस्टिक में परफॉर्म किया, फिर इन हुए, फिर आउट हुए, अब पिछले कई सालों से मुस्तकिल मिजाजी से इंडियन टीम के बेहतरीन नौकर भी है, मिडिल ऑर्डर बैटिंग की है, और अब टीम को सहारा भी दिया हुआ, कप्तान भी है, तो रोहित शर्मा के लिए बेस्ट विशेज है फॉर द फ्यूचर, थोड़ी सी बैटिंग में और अपनी तवज्जो देनी होगी, कुछ अर्से से परफॉर्म उनकी ना उठ रही है, बट ही इज वन ऑफ द ग्रेटेस्ट बैट्समैन। जी ठीक है जी, सही है। फिजान बाकर नकवी साहब, प्रोग्राम के लास्ट पे आप कोई मैसेज देना चाहें? जी बिल्कुल, इस ईद अजहा के मौके पर मैं हुकूमत पाकिस्तान और तमाम सूबाई हुकूमतों से भी गुजारिश करूंगा कि आवाम आम के हालात मामलात को देखते हुए आप सब सोचिए और पाकिस्तान को बेहतर मोड पे लेकर आइए, बेहतरी कीजिए, पाकिस्तान के हवाले से अच्छे और बेहतरीन फैसले लीजिए, और उम्मत मुस्लिमा को जोड़ की जरूरत है, प्यार की जरूरत है, ईद उल अजहा के मौके पर हम सब मुसलमान जुड़ जाएं, मोहब्बत से एक दूसरे के साथ रहें, और उम्मत मुस्लिमा की खैर फरमाए, अल्लाह ताला पूरे पाकिस्तान की खैर फरमाए, और तमाम लोग जो परेशान हैं उनके लिए मेरी दुआएं, जो लोग बीमार हैं उनके लिए मेरी दुआएं, और एक बार फिर तमाम हाजरीन को, तमाम आवाम को, तमाम मुबारक, और मैं यही कहूंगा कि सबको एक होने की जरूरत है, उन उम्मत को जुड़ जाने का वक्त। जी ठीक हो भाई जी, सईद फिजान बाकर नकवी साहब, आपका बहुत शुक्रिया, आपने हमें कीमती टाइम दिया। तो नाज़रीन यहाँ पर एक छोटी सी ब्रेक लेते हैं, ब्रेक के बाद अपने नए मेहमान के साथ दोबारा हाजिर होते हैं। ये तो नाज़रीन हमारे साथ हैं मशहूर सिंगर राव बाबर अली साहब। तो राव बाबर अली साहब, सबसे पहले तो आपका बहुत शुक्रिया, आपने हमें कीमती टाइम दिया, मेरी और मेरी पूरी टीम की तरफ से आपको बहुत बहुत बड़ी ईद मुबारक हो। बिस्मिल्लाहिर्रहमानिर्रहीम जी, अस्सलामुअलैकुम जी। जी जी, सबसे पहले आपका भी बहुत शुक्रिया कि आपने मुझे अपने प्रोग्राम में मदद किया, और उसके बाद देखने वाले जो हमारे फैन है, परस्तार है, उन सबको ईद मुबारक हो, और आपकी पूरी टीम को ईद मुबारक हो। जी ठीक है। अच्छा राव बाबर साहब, आज ईद का दूसरा रोज है, तो कैसी गुजरी है ईद आपकी? जी शुक्र अल्हम्दुलिल्लाह, अल्लाह पाक का लाख लाख शुक्र है, बहुत ही जबरदस्त ईद गुजर रही है। कुछ सोके गुजार रहे हैं जी, कुछ गोश्त खाकर गुजार रहे हैं, यही है। अब तो ठीक है, ईद तो बच्चों की होती है जी। जी जी, अच्छा ईद का पहला रोज तो कुर्बानी में गुजर जाता है, और दूसरा और तीसरा रोज? पहले रोज से लेकर कि तीसरे दिन तक कोई ना कोई मेहमान आ गया रहता है, कभी कोई रिश्तेदार आ गया, कभी वो अपना हमसाए आ गए, कोई शहर से आ गया दोस्त, ये तीन दिन तो बहुत ही मसरूफ होते हैं जी, कोई आ रहा है, कोई जा रहा है, और हम भी आते जाते हैं ये बात। तो कुर्बानी का जानवर आप खुद खरीदने जाते हैं?
जी, अल्हम्दुलिल्लाह जब वालिद साहब थे तो हम उनके साथ जाते थे, अब वालिद साहब नहीं है तो अब हम खुद ही जाता हूँ और मैं ले आता हूँ। सही हो। तो आज ईद का मौका है, तो ईद के मौके पर आप हमारे नाज़रीन को कोई अच्छा सा सॉन्ग सुना दें ताकि ईद का जो मौका है वो डबल हो जाए। जी मैं अपने उस्ताद मोहतरम मैडम नूर जहां का गीत सुनाता हूँ आपको। जी जी एवें तेने खोला तेरे पीछे पीछे आनिया, एवें तेने खोला तेरे पीछे पीछे आनिया, वे होके मजबूर तेरे दर ले मैं पानिया, इश्क दारो पूरा इश्क दारो पूरा तेनो समझानिया, वे सोने दिल दा मामला हीरे दिल दा मामला, सोने दिल दा मामला, कलियत फुला उठे नचते ने हासे, दिसना ही तू मैनू देखा जेड़े पासे, अकलियत फुलाऊ ते नचते ने हासे, दिसना ही तू मैनू वेखा जेड़े पासे, दादा बुरा हाल होया दिल दे आनिया, इश्क दारो पूरा तेनु समझानिया, वे सोने दिल दा मामला हीरे दिल दा मामला, वे सोने दिल दा मामला, लड़कन जदों ते तेरे नाल नैन वे, उठ गया निंदना ते लुट गया चैन वे, लड़ गए जदों तेरे नाल नैन वे, उठ गया निंदना ते लुट गया चैन वे, अपना बना ले मैनू कर दे जुबानिया, इश्क दारो पूरा तेनू समझानिया, वे सोने दिल दा मामला हीरे दिल दा मामला, वे सोने दिल दा मामला। जबरदस्त, बहुत शुक्रिया जी, बहुत खूबसूरत आवाज है आपकी माशाल्लाह। अच्छा बाबर साहब, कुकिंग का भी शौक है आपको? कुकिंग का शौक है थोड़ा बहुत। ईद का टेस्ट किया आपने कभी? ये ठीक है, जब कोई मेहमान ज्यादा आ जाते हैं घर में तो फिर वो तकलीफ करनी पड़ती है। ठीक है, तो क्या चीज आप जबरदस्त करके बना देते हैं? ये रोटी के अलावा मैं तकरीबन हर चीज में बना लेता। ठीक है माशाल्लाह। तो ईद के मौका पर आप कोई मैसेज कोई पैगाम देना चाहें नाज़रीन को? ईद के मौके पर जी, ईद के मौके पर यही पैगाम है कि हम अपना ईद का जानवर खरीदते हैं, हम अपने लिए अच्छे अच्छे अपने बच्चों के लिए कपड़े वगैरह खरीदते हैं, जूते खरीदते हैं, हमें उनको भी याद रखना चाहिए जिनके पास जूते कपड़े खरीदने की ताकत नहीं है, पैसे नहीं है, हमें उनका ख्याल करना चाहिए, हमें उनका एहसास करना चाहिए। अल्हम्दुलिल्लाह हम मुसलमान हैं, हमें एक दूसरे के साथ मिलकर रहना चाहिए और हमें एक दूसरे का सहारा बनना चाहिए। ये पैगाम जी ठीक हो गया। तो नाज़रीन ये थे हमारे साथ मशहूर सिंगर राव बाबर अली साहब। तो राव बाबर साहब आपका बहुत शुक्रिया, आपने हमें कीमती टाइम दिया। तो नाज़रीन यहाँ पर हम ब्रेक लेंगे, ब्रेक के बाद अपने नए मेहमान के साथ दोबारा हाजिर होंगे, लेकिन जाने से पहले हम बाबर जी की तरफ जाएंगे। बाबर साहब हमें एक कोई अच्छा सा नगमा सुना दें। झूम है दिल को मेरा जाने बहारा आएगा, झूम है दिल को मेरा जाने बहारा आएगा, प्यार महकेगा
उमंगों पे निखार आए, झूम है दिल वो मेरा जान बहार आएगा, प्यार महकेगा उमंगों पे निखार आएगा, झूम है दिल वो मेरा जान बहार आएगा, उसके चेहरे पे पड़ी जब मेरी गुस्ताख नजर, सहम सा जाएगा मुझसे वो जरा शर्मा कर, इस अदा पर तो मुझे और भी प्यार आएगा, झूम है दिल वो मेरा जान बहार आएगा, प्यार महकेगा उमंगों पे निखार आएगा, झूम है दिल वो मेरा जान बहार आएगा।